कराची और हैदराबाद में कल होने वाले बल्दियाती इलेक्शन पहेली बन गए। सिंध हुकूमत की एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, इंतखाबी अमल की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स की मतलूबा तादाद मुयसर नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज की अदम दस्तियाबी पर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। हसास इदारों की जानिब से मुमकिन दहशतगर्द हमले के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। हालात का तकाजा है कि पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार। इलेक्शन कमीशन का एक और हंगामी इजलास तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में होने वाले इजलास में मेंबरान और मुतालिका अफसरान शरीक होंगे। शरकत सिंध हुकूमत के इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त पर गौर करेंगे। सिंध हुकूमत के तहफ्फुज़ात का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कराची इजलास की तफसीलात भी कमीशन को भिजवा दी। तमाम स्टेक होल्डर्स की आरा का जायजा लिया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए मैदान सजाने की तैयारियां। आज इंतखाबी सामान की तरसील के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। कराची में 7 मराकज़ कायम। डिस्पैच सेंटर्स पर सन्नाटा। अमले को ले जाने वाली गाड़ियां पहुंच गईं मगर प्रिजाइडिंग अफसरान नहीं पहुंचे। रिटर्निंग अफसरान का कहना है जैसे ही अमला पहुँचेगा इंतखाबी सामान की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने आज और कल सरकारी दफातर खुले रखने का हुक्म भी दे रखा है। कराची हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। जीएचक्यू ने तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला का खत मौसूल। वजारत दाखिला के मुताबिक फौज और रेंजर्स की तैनाती का मामला जीएचक्यू के साथ उठाया। जीएचक्यू ने कहा इतनी बड़ी तादाद में स्टैटिक तैनाती मुमकिन नहीं। पहले दर्जे पर स्टैटिक तैनाती सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इतने ज्यादा हसास पोलिंग स्टेशंस पर स्टैटिक तैनाती मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन 500 हसास पोलिंग स्टेशंस की निशानदेही करे। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती की जा सकती है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन। अमरीकी वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ का अहदा संभालने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी। दोनों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते में होने वाली हालिया तब्दीलियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया था। एमक्यूएम की विफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। कराची में हल्का बंदियों के मामले पर हुकूमत से राहें जुदा करने पर गौर। विफाकी वज़रा ने अपने इस्तीफे खालिद मकबूल सदीकी के पास जमा करा दिए। मुताहिदा की राबता कमेटी का हंगामी इजलास। बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावर। दूसरी जानिब रात गए गवर्नर सिंध से खालिद मकबूल सदीकी की अहम मुलाकात। कामरान टेसोरी की तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने कहा इंतखाबात से पहले एमक्यूएम के तहफ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। उधर एमक्यूएम का आज होने वाला इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। एमकेएम की नाराजगी पर हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों के राबते तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर्रहमान का खालिद मकबूल सदीकी को फोन। तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। आसिफ जरदारी ने कहा एमकेएम हुकूमत ना छोड़े, बैठकर मामलात हल करते हैं। फजलुर्रहमान का खालिद मकबूल सदीकी को सब्र से काम लेने का मशवरा। उधर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सदीकी से राबता। मामलात बाहमी मुशावरत से हल करने की दरख्वास्त की। रात गए आसिफ जरदारी से एमकेएम रहनुमाओं का फिर राबता। गवर्नर सिंध ने मामला तफाहम तफहीम से हल करने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जवाब दिया हमारी मुशावरत जारी है, जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी की रात गए अहम बैठक। आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत अहम वज़रा की शिरकत। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत। मुतवक्के फैसलों पर एमकेएम क़यादत से भी मुशावरत मुकम्मल। आज अहम फैसले काबीना की मंजूरी से किए जाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो आइन व कानून से मुतसादिम हो। इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम, इसका जायजा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया।
किसी पार्टी को हल्का बंदियों पर एतराज है तो उनका मुतालिबा सुनना होगा। एमकेएम का इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानने से इनकार। फारूक नसीम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। 10A के बाद सेक्शन 9 की कोई हैसियत नहीं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि कुछ लोग चैंपियन बनकर और मेयर बनकर घूम रहे हैं। फारूक सत्तार बोले कि इलेक्शन कमीशन को सिंध हुकूमत के फैसले को वेलकम करना चाहिए। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सिंध के शहरों पर कब्जे की कोशिश का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उधर एमकेएम का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने का फैसला। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी समेत राबता कमेटी के अराकीन शहर के हंगामी दौरे करेंगे। कराची में बलदियाती इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कोशिश की जा रही है बलदियाती इलेक्शन ना हो। अभी तक मालूम नहीं हो रहा इलेक्शन होंगे या नहीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कराची में चार बार इलेक्शन मुलतवी करना इमरान खान का खौफ है। अली सैदी बोले एमकेएम में जाने वाले एक मजबूर दूसरा लाचार है। फिर दोस्त शमीम नकवी कहते हैं एमकेएम भानमती का कुंभा है, इनकी हंडिया चौराहे पर ही फूटेगी। कर ये काम ये किया जाता है कि इभाम रहे, कंफ्यूजन रहे, लोगों को यकीन ना हो और लोगों को वोट डालने के जमहूरी हक से महरूम कर दिया जाए। और रोजाना की बुनियाद पर बल्कि घंटों की बुनियाद पर वो इकदाम कर रहे हैं और घंटों की बुनियाद पर उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी से कहता हूं कि इज्जत से बलदियाती इलेक्शन करा दे, नहीं तो जिल्लत से कराने पड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने हमेशा सौदेबाजी की, साजिशें बंद करें और आवाम को इनका हक दें। हुकूमत चाहती है कि कल लोग इलेक्शन वाले दिन घरों में रहें ताकि ये नतीजे तब्दील कर सकें। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकलेंगे और इनकी साजिश नाकाम बना देंगे। खबरदार करता हूँ कि इलेक्शन वाले दिन कोई एडवेंचर नहीं करने की कोशिश देंगे। गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कब करेंगे। गवर्नर पंजाब की पार्टी कयादा से मुशावरत, कानूनी टीम से भी सलाह मशवरे। गवर्नर बलीखुर्रहमान ने कहा वक्त से पहले असम्बली तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल फैसला है। दो दिन में असम्बली की तहलील का फैसला सब चीज़ें देखकर करना है। समरी मंजूर करते ही पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। पंजाब में इलेक्शन के लिए 90 दिन दरकार होंगे। 90 रोज़ के मुताबिक इलेक्शन रमज़ानुल मुबारक में होंगे। रमज़ान में रूटीन मुश्किल है, इन चीज़ों को देखना होता है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की बारी। केपी असम्बली की तहलील की एडवाइस आज भिजवाए जाने का इम्कान। वजीर आला महमूद खान इमरान खान से आज जमान पार्क में मुलाकात करेंगे। केपी असम्बली की तहलील पर मुशावरत होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली पहले ही असम्बली तहलील पर आइन पर अमल दरामद का इंदियाद दे चुके हैं। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा। इमरान खान की निगरान सेटअप के लिए मुशावरत। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा गवर्नर पंजाब मजीद इंतजार ना करें, असम्बली तहलील का परवाना जारी करें। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से बाकायदा राबता किया जा रहा है। निगरान वजीर आला के लिए हम अपने नाम पर वे जिला ही को देंगे, वो ओपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके फैसला करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तोड़ने की समरी तैयार कर ली। वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठ कर इलेक्शन पर बात करे। सदर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। नई ब्रेलर एमक्यूएम की बलदियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। नून लीग का पंजाब असम्बली तहलील में रुकावट ना डालने का फैसला। नून लीग भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन वक्त पर कराने की तजवीज़। पार्टी रहनुमाओं को नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारी की हिदायत। निगरान सेटअप के लिए नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। पार्टी के अंदर काली भेड़ों को भी निकालने का फैसला। मरियम नवाज और हमजा शहबाज इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज जनूबी पंजाब और हमजा शहबाज बलाई पंजाब में जलसे करेंगे।
इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आखिर में जो इमरान खान के साथ होना है फिर इसे पता लगेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा पहले मार्शल ला से असम्बली टूटती थी, अब सियासी आमिर तोड़ रहा है। एक बदबख्त सियासी लीडर मुल्क को डिफॉल्ट करने पर तुला है। वफाकी वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने कहा पंजाब की आवाम बहरूपियों और चोरों को वोट नहीं देंगे। एतमाद का वोट क्यों नहीं दिया? पीटीआई का पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। गैर हाजिर दो अराकीन मोमना वहीद और फैसल फारूक चीमा को शो काज नोटिस भेज दिया गया। 14 जनवरी को पार्टी चेयरमैन इमरान खान के रूबरू पेश होने की हिदायत। दोनों अराकीन को आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सौदागर नाकाम हुए, आइनो कानून और हक सच की फतह हुई। अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागते हुए देखा। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पंजाब असम्बली के अरकान ने दबाव और तरगीब के सामने डटकर तारीख रकम कर दी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग यकजान दो कालब हैं। हमने पंजाब के हर इलाके को अवाम के लिए तरक्की के सफर में शरीक किया। इमरान खान हुकूमत को एक और सरप्राइज देने को तैयार। पीटीआई का शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के ऑप्शन पर गौर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के पार्टी रहनुमाओं से मशवरे। जराए पीटीआई के मुताबिक सदर मुमलिकत वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड की लहर बरकरार। कोयटा की सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। घरों के अंदर नल का पानी जमने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना। सड़कों पर फिसलन के बायस हादसात के बायस मुतादिद शहरी जख्मी। उधर चमन में अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। तोबा अचकजई में टेम्परेचर -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब खानुसई समेत मुस्लिम बाग कान मतजई में बर्फबारी के बाद बंद होने वाली शाहराओं को खोल दिया गया।